हेलो, आज हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं कि आप अपना रिएक्ट के प्रोजेक्ट को किस प्रकार डिप्लॉय करेंगे गूगल क्लाउड पर एंजिनिक्स का यूज करके। लास्ट लेक्चर में हमने आपको सेटअप करना बताया था कि आप गूगल क्लाउड पर अपने इंस्टेंस को किस प्रकार सेटअप करेंगे और उसमें एंजिनिक्स सर्वर किस प्रकार इंस्टॉल करेंगे। आज हम लोग उसी के आगे का ये लेक्चर देखने वाले हैं। मैंने यहाँ पर अपना एक रिएक्ट का सिंपल सा छोटा सा प्रोजेक्ट बना के रखा हुआ है, उसी को मैं यहाँ पर आपको डिप्लॉय करके बताऊंगा। फिर चाहे आपके पास किसी भी प्रकार का कोई भी प्रोजेक्ट हो, प्रोसेस सेम ही रहता है, उसी प्रकार आप अगर डिप्लॉय करेंगे तो आपको कोई भी इशू नहीं आएगा। अगर फिर भी कोई इशू अगर आता है तो डोंट वरी, मैं गाइस यहाँ पर बैठा हूँ। आप कमेंट पर सिंपल सा आप अपना प्रॉब्लम लिख के आप हमें बता दीजिएगा, मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा, या फिर 1-to-1 सेशन भी हम लोग कर लेंगे आपके प्रॉब्लम के ऊपर। तो चलिए फिर देखते हैं कि किस प्रकार आप अपने रिएक्ट के प्रोजेक्ट को एंजिनिक्स सर्वर पे डिप्लॉय करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट पर आ जाता हूँ, जो मैंने रिएक्ट का सिंपल सा एक डमी टाइप का प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। बनाया भी नहीं, सिंपल सा मैंने इंस्टॉल कर लिया था पैकेज को और उसी पैकेज को मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। तो मैं जल्दी से अपने उस प्रोजेक्ट को ओपन कर ले रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर अपने इस फोल्डर को ओपन किया, डेमो नाम के फोल्डर पे गए और डेमो प्रोजेक्ट नाम के फोल्डर पे गए। ये मेरा कोड पड़ा हुआ है यहाँ पर, इसको जल्दी से ओपन कर लेते हैं वीएस कोड पर, और मैं इसको पहले आपको रन करा के दिखा देता हूँ ये प्रोजेक्ट कैसा दिख रहा है। इसके लिए मैंने अपने टर्मिनल पर प्रोजेक्ट को रन कराने की कमांड यहाँ पर लिख दी है, जिसके बाद ये प्रोजेक्ट कुछ ही देर में हमारा ये रन कर जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। इसको चलिए ओपन करके देखते हैं। यहाँ पर हमें एक लोकल यूआरएल मिल गया है, इसको ओपन करते हैं और चेक करते हैं कि कैसा दिखेगा। तो सिंपल सा आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरे चैनल का नाम लिखा हुआ है, ये कर्नोगो है, और सिंपल सा यहाँ पर काउंटर का है ऑप्शन भी दिया गया है। काउंटर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू जो है वो इंक्रीज होके आए। अब मैं अगर आपको एक बात बताऊं, जब भी आप कोई रिएक्ट का प्रोजेक्ट हो या फिर आपका व्यू डॉट जी एस पे हो या एंगुलर डॉट जी एस पे हो, नेक्स्ट डॉट जी एस पे हो, किसी पे भी प्रोजेक्ट बना होता है तो उसको पहले हम लोग बिल्ड करते हैं और बिल्ड करने के बाद हम लोग उसको डिप्लॉय करते हैं। तो मोस्टली डेवलपर होते हैं अलग अलग प्रकार से यूज करते हैं। कई लोग क्या करते हैं कि लोकल पे ही बिल्ड बना लेते हैं फिर उसको सर्वर पे डिप्लॉय करते हैं। कई लोग क्या करते हैं कि ऑनलाइन पूरा कोड रखा होता है उनका और ऑनलाइन उनका या फिर अपलोड कर लेते हैं जब कोड को, तो सर्वर पे ही बिल्ड बना के फिर उसको यूज करते हैं। लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए कि कौन सा मेथड अच्छा रहेगा, तो मैं तो आपसे यही कहूंगा कि आप हमेशा अपने लोकल पीसी पर बिल्ड को बनाएं, इसके बाद आप अपने कोड को कॉपी करके सर्वर पे डाल दें। अगर आप सर्वर पे बिल्ड बनाने के लिए बैठेंगे तो एक इशू आपको फेस होगा। फेस क्या होगा, जब भी आप सर्वर बनाते हैं या फिर कोई इंस्टेंस आप बनाते हैं तो वहां पर आप रैम, पीसी का प्रोसेसर, एवरीथिंग आप वहां पर लेते हैं। लेकिन अगर बिल्ड अगर आप सर्वर पर ही बनाएंगे तो वो सारी चीजें, जो रैम होती है, जो प्रोसेसर होता है, वो काफी ज्यादा यूज होता है। और अगर आपका प्रोसेसर रैम काफी कम है तो आप ऐसा समझ लीजिएगा कि आपका सिस्टम क्रैश भी हो सकता है, या फिर आपको अगेन रिस्टार्ट करना पड़ेगा, या फिर आपका बिल्ड नहीं बनेगा। तो इसलिए आप हमेशा अपना बिल्ड लोकल पीसी पर बना लीजिए, फिर बिल्ड को आप अपने गिटहब पे या बिटबकेट पे डाल के वहां से आप पुल करके आप डिप्लॉय कर सकते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पर अभी करने वाला हूँ। तो मैं जल्दी से मैं अपने इस टर्मिनल को क्लोज कर देता हूँ, या फिर अपने इस प्रोजेक्ट जो कि रन कर रहा है उसको मैं बंद कर दे रहा हूँ। तो कंट्रोल से कमांड से मैंने इसको बंद कर दिया। अब इसका जल्दी से हम लोग बना लेते हैं बिल्ड। तो इसके लिए मैं कमांड लिख दे रहा हूँ npm run build। तो यहाँ पर क्या होगा, अब जल्दी से मेरा इस प्रोजेक्ट का पूरा एक बिल्ड बन के आ जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर इसका बिल्ड बन के आ गया। यहाँ पर बिल्ड का जो बना हुआ है उसका नाम है डिस्ट नाम का फोल्डर, डिस्ट नाम के फोल्डर पे यहाँ पर पूरा बिल्ड बन चुका है। अगर आप वाइट यूज कर रहे हैं तो डिस्ट नाम का फोल्डर बनेगा। प्योर रिएक्ट अगर यूज कर रहे हैं, कोई अलग से लाइब्रेरी नहीं यूज कर रहे हैं, तो वहां पर आपका बिल्ड नाम का ही फोल्डर बन के आएगा। तो यहाँ पर डिस्ट नाम का फोल्डर बना हुआ है और यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं मेरा यहाँ पर डिस्ट नाम का फोल्डर अच्छी तरीके से दिख रहा है। अगर आपके में ये फोल्डर नहीं दिख रहा है, फोल्डर मतलब दिखने का मतलब है कि इसका जो कलर है वो अगर थोड़ा सा हल्का अगर कलर बना हुआ है तो यहाँ पर वो फोल्डर आपका हाइड होगा। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, गिट इग्नोर की फाइल पर आएंगे और यहाँ पर जैसे कि मैंने डिस्ट नाम का यहाँ पर फोल्डर का नाम लिखा हुआ है, आप इसको हटा दीजिएगा यहाँ से।
जैसे आप यहाँ से हटा देंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर जो फोल्डर होगा वो आपके यहाँ पर दिखने लगेगा। या देखिए गिट इग्नोर में हम लोग वो फाइलें डालते हैं जो हमें सिलेक्ट नहीं करनी या फिर अपने रिपोजिटरी में डालनी नहीं है। तो हमारा यहाँ पर बिल्ड बन चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस बिल्ड को अपने गिटहब पे पुश करेंगे या फिर आप जो भी यूज करते हैं कोड को सेव करने के लिए वेबसाइट आप वहां पर डाल सकते हैं। तो चलिए मैं जल्दी से अपने गिटहब अकाउंट को ओपन कर ले रहा हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर अपना गिटहब अकाउंट ओपन करके रखा हुआ है, मैं यहाँ पर जल्दी से अपनी रिपोजिटरी को बना ले रहा हूँ। इसके लिए मैं आता हूँ योर रिपोजिटरी पर और यहाँ पर एक नई रिपोजिटरी क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पर न्यू पे आते हैं। न्यू पे आने के बाद यहाँ पर रिपोजिटरी का नाम डालते हैं, डमी प्रोजेक्ट। मैंने यहाँ पर डमी प्रोजेक्ट के नाम से एक रिपोजिटरी बनाई है जिसको पब्लिक कर देते हैं। रीडमी की कोई फाइल नहीं होगी। फिर यहाँ पर क्लिक करते हैं क्रिएट रिपोजिटरी बटन पर। तो कुछ ही देर में मेरी यहाँ पर रिपोजिटरी बन गई है। अब क्या करना पड़ेगा, हमें अपने कोड को यहाँ पर पुश करना पड़ेगा। पुश करने के लिए कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है हमें। यहाँ पर सिंपल सा कुछ कमांड यहाँ पर दी गई है, इन्हीं कमांड को आपको फॉलो करना है। तो मैं यहाँ वन बाई वन इन कमांड को कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद अपने टर्मिनल पर पेस्ट कर देता हूँ। तो पहली कमांड कॉपी करके पेस्ट कर दी। फिर हमारी दूसरी कमांड है गिट एड। याद रखिए गिट एड में रीड मी डॉट एम डी लिखा है, इसको आप हटा दीजिएगा और आगे लगा दीजिएगा डॉट। तो इससे क्या करेगा, ये हमारी जितनी भी फाइल्स हैं उन सभी फाइल्स को वो सिलेक्ट कर देगा। तो यहाँ पर एंटर प्रेस कर देते हैं। इसके बाद कॉपी करते हैं थर्ड कमांड को। तो यहाँ पर लिखा है गिट कमिट डैश एम और फर्स्ट मैसेज। तो आप जो भी मैसेज डालना चाहें वहाँ पर आप डाल सकते हैं फर्स्ट कमिट की जगह। तो मैं अभी इसको ऐसे ही रहने दे रहा हूँ और फिर एंटर प्रेस कर देते हैं। इसके बाद कॉपी करते हैं अगली कमांड को। फिर इसको भी हम लोग यहाँ पर जल्दी से पेस्ट कर देते हैं नेक्स्ट कमांड। आपने अपने रिमोट एड्रेस को भी ऐड कर लिया। अब ये लास्ट कमांड है जो कि हमारे सारे कोड को पुश कर देगी रिपोजिटरी में। यहाँ पर पेस्ट करके एंटर प्रेस करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये हमारा एक्सेस मांग रहा है अकाउंट का रिपोजिटरी पुश करने के लिए। तो कोई परेशानी नहीं, मैं यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सेट करता हूँ साइन इन विद कोड। तो यहाँ पर एंटर करते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारा एक कोड यहाँ पर आ गया। इस कोड को हमें डालना है इस यूआरएल पे विजिट करके। तो सिंपल सा एक काम करते हैं, यहाँ पर आते हैं अपने गिटहब अकाउंट में फिर से विजिट करते हैं। गिटहब मैं अपने एक नए टैब पर यूज कर ले रहा हूँ। github.com के आगे आप लिख दीजिए login/device। इतना लिखने के बाद ये कोड जो है आपका उस कोड को टाइप कर दीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पर जल्दी इस कोड टाइप कर दे रहा हूँ। कोड टाइप करने के बाद कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर दीजिए। जैसा कि ये बता रहा है कोड मेरा गलत हो गया, तो अगेन फिर से एक बार टाइप करते हैं। एक बार फिर से कोड को मैच कर लेते हैं, ठीक लिखा है कि नहीं लिखा है। कोड मैंने सही लिखा है, कंटिन्यू बटन पर क्लिक करते हैं। तो जैसा देख रहे हैं यहाँ पर कोड मैच कर गया है। ऑथराइज कर लेते हैं अपने गेट अकाउंट को। यहाँ पर हमारा अकाउंट वेरीफाई हो गया है। तो जैसे आप देखेंगे यहाँ पर पूरा का पूरा कोड हमारा चला गया है ऑनलाइन। अब यहाँ पर मैं अपने पुराने अकाउंट पर फिर से आ जा रहा हूँ, जैसे जहाँ पर हमारी कमांड लिखी थी। अब मैं अपने इस पेज को रिफ्रेश कर दे रहा हूँ। रिफ्रेश करने के बाद आप देख रहे हैं गाइस यहाँ पर पूरा पूरा कोड मेरा डमी प्रोजेक्ट में आ चुका है। अब क्या करते हैं, इस कोड को अब हम लोग अपना जहाँ पर एंजिनिक सर्वर बनाया हुआ है, जहाँ पर डाला है एंजिनिक सर्वर या पे इंस्टेंस, वहाँ पर इस कोड को लेके आएंगे और वहाँ पर इस कोड को डालेंगे। तो चलिए अपने गूगल अकाउंट पर आ जाते हैं कि मैंने पिछले लेक्चर में मैंने एक इंस्टेंस बनाया था और मैंने आपको दिखाया था कि एक इंस्टेंस कैसे बनाएंगे और किस प्रकार वहाँ पर एंजिनिक सर्वर इंस्टॉल करेंगे। मैं उसी इंस्टेंस का मैं आज अगेन यूज करने वाला हूँ। तो मैं अगेन यहाँ पर SSH पर क्लिक कर दे रहा हूँ। इससे क्या होगा, मैं अपने जो इंस्टेंस है उसके अंदर में एंटर कर जाऊंगा। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एक नया पॉपअप आ गया है, मुझसे ऑथराइजेशन मांग रहा है, मतलब कि मेरा अकाउंट सही है कि नहीं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर इसको अलाउ कर दे रहा हूँ। तो मैं अब अपने सिस्टम के अंदर लॉगिन कर चुका हूँ।
अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग अपना एक फोल्डर बनाते हैं जहां पर हम लोग अपना फ्रंट एंड का कोड बैक एंड का कोड पूरा का पूरा रखेंगे। पर्सनल एक्सपीरियंस है उसके अनुसार मेरा एक रूट डायरेक्टरी है जिसमें मैं हमेशा उसी रूट डायरेक्टरी को फॉलो करके अपने कोड को डिप्लॉय करता हूँ। तो अगर आप भी अगर वही फॉलो करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा आसान रहेगा आपके लिए समझने में। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एलएस करता हूँ, चेक करता हूँ क्या कोई रिपोजिटरी बनी हुई है यहाँ पर, या फिर कोई फोल्डर यहाँ बना हुआ, तो नहीं बना हुआ तो मैं काम करता हूँ, पहले सीडी स्लैश होम पे आता हूँ, जो हमारा मतलब पीसी जो है जो इंस्टेंस बनाया था उसमें एक होम नाम का फोल्डर अपने आप होता है। फिर उबंटू मैंने इंस्टॉल किया था तो उबंटू का फोल्डर भी यहाँ पर बना होगा, और फिर इसके अंदर आ जाते हैं। अब करते हैं एलएस, तो अब इसके अंदर कोई भी फोल्डर यहाँ पर नहीं बना हुआ है। अब क्या करते हैं, इस उबंटू फोल्डर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, अपना एक खुद का फोल्डर बनाते हैं। तो अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट होता है तो उसमें दो चीज़ें होती है, एक होता है फ्रंट एंड और एक होता है बैक एंड। तो मैं यहाँ पर दो फोल्डर बनाऊंगा, एक बनाऊंगा फ्रंट एंड नाम से, तो मैं बनाता हूँ सीडो मेक डायरेक्टरी और फ्रंट एंड, और फिर एक बनाते हैं यहाँ पर जल्दी से बैक एंड का फोल्डर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बैक एंड को डिप्लॉय करना देखेंगे, तो इसलिए मैं यहाँ पर बैक एंड का फोल्डर बना ले रहा हूँ। अब हमारे दो फोल्डर यहाँ पर बन चुके हैं, जल्दी से विजिट करते हैं फ्रंट एंड फोल्डर के अंदर। और फ्रंट एंड फोल्डर के अंदर हम क्या करेंगे, सारे का सारा कोड जो अभी हम लोगों ने रिपोजिटरी में पुल किया है या फिर पुश किया है उसको हम लोग यहाँ पर पुल कर लेंगे। तो फिर से हम लोग अपने रिपोजिटरी पर आ जाते हैं, यहाँ पर कोड वाले बटन पर क्लिक करेंगे और अपने इस यूआरएल को कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद सिंपल से यहाँ पर कमांड लिखेंगे सूडो गेट पुल, और यहाँ पर सॉरी मैंने यहाँ पर थोड़ी सी गलत कमांड लिख दी है, सूडो गेट क्लोन होता है, इसके बाद हमारा यूआरएल और स्पेस देकर डॉट लिख दिए। डॉट लिखने का फायदा क्या होगा कि यहाँ पर आपका एक जो फोल्डर है वो नहीं बनेगा। मतलब क्या, जैसे कि अगर आप रिपोजिटरी में आएंगे तो यहाँ पर रिपोजिटरी का नाम पड़ा है डमी प्रोजेक्ट, तो अगर आप डॉट नहीं लगाएंगे तो डमी प्रोजेक्ट नाम का एक फोल्डर बनेगा और उसके अंदर ये सारी की सारी फाइलें आ जाएंगी, तो वो काफी बेकार सिस्टम हो जाता है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, आगे डॉट लगा देते हैं। डॉट का मतलब क्या होता है कि ये फोल्डर नहीं बनेगा, सारा का सारा कोड जो है वो हमारा इस फ्रंट एंड फोल्डर के अंदर आ जाएगा। अगर आपको दिखा देता हूँ बिना डॉट के कि कैसे काम होगा, जैसे मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो सी एलएस करते हैं, तो आप देखेंगे डमी प्रोजेक्ट नाम का यहाँ पर पहले फोल्डर बना है जो कि हमारा रिपोजिटरी का नाम था। तो अगर हम लोग इसके अंदर विजिट करेंगे तब जाके हमें यहाँ पर पूरा पूरा कोड मिलेगा। तो ये काफी बेकार प्रोसेस होता है कि रिपोजिटरी का के नाम से फोल्डर बन जाता है, फिर उसके अंदर कोड आता है, फिर हमें उसके अंदर एंटर करना पड़ता है। तो ये प्रोसेस मुझे काफी अच्छा नहीं लगता है, तो इस कारण मैं इसको यूज नहीं करता हूँ। तो मैं फिर से बाहर आता हूँ, अपने इस फोल्डर को डिलीट कर देता हूँ और एंटर करते हैं। अब क्या करते हैं, अगेन फिर से हम लोग वही कमांड चलाते हैं और फिर अब क्या डॉट लगा देते हैं। तो अब क्या फायदा क्या होगा कि अब क्या हमारा यहाँ पर फोल्डर नहीं बन के आया क्योंकि हम क्या हमने डॉट का यूज कर दिया था। अब जैसे कि हमारी सारी की सारी फाइलें आ चुकी है, डिस्ट नाम का फोल्डर भी आ चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, अपना जो डिस्ट नाम का फोल्डर है इसको हम लोग कॉपी करेंगे, इसके अंदर की सारी फाइलों को, और अपने एक रूट डायरेक्टरी पर डालेंगे जहाँ पर हमारा कोड डिप्लॉय है। तो रूट डायरेक्टरी कहाँ पर होती है एंजिनिक्स, वो भी मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, लेकिन अगेन मैं यहाँ पर डिस्कस कर देता हूँ। सी डी स्लैश वॉट www और html नाम का ये जो डायरेक्टरी है, इस डायरेक्टरी में हमारा पूरा पूरा फ्रंट एंड कोड पड़ा होता है, या फिर कॉपी करके डालते हैं जहाँ से एंजिनिक्स आइडेंटिफाई करता है हमारे फ्रंट एंड कोड को। अगर मैं यहाँ पर विजिट करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर index.html नाम की ये फाइल पड़ी हुई है, और यही इंडेक्स नाम के एचटीएमएल की जो फाइल है वो इस वक्त रन कर रही होगी। अगर मैं आकर अपने इस आईपी एड्रेस पर विजिट करूं तो आप देखेंगे यहाँ से मैं एस को हटा दे रहा हूँ https के नाम से, और फिर एंटर प्रेस करते हैं, तो आप देखेंगे ये कोड अभी हमारा यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा ये पाथ है इस पाथ में इंडेक्स की फाइल पड़ी हुई है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं ओवरराइट करते हैं। ओवरराइट करने के लिए हम लोग फिर से अपने उस वहां पर आते हैं जहां पर अभी हमने पूरा का पूरा कोड क्लोन किया है या फिर कॉपी करके लाए हैं। सीडी स्लैश होम उबंटू ये हमारा पाथ था स्टार्टिंग वाला, इसके अंदर दो फोल्डर बनाए थे फ्रंट एंड नाम का, तो फ्रंट एंड में आ जाते हैं और फिर यहाँ पर आ गए। तो हम लोग अब जिस नाम के फोल्डर के पास आ चुके हैं, या फिर हमने जहाँ पर पूरा कोड कॉपी किया था वहाँ पर हम लोग आ गए। अब यहाँ से क्या करते हैं, अब आपको ये कमांड याद करनी पड़ेगी हमेशा, जब भी आप एंजिनिक्स का यूज करेंगे या फिर किसी भी चीज़ को कॉपी करके अगर दूसरी डायरेक्शन में डालना होता है या फिर दूसरे डायरेक्टरी में डालना होता है, तो हम लोग ये इस कमांड का यूज करते हैं। कमांड क्या है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, sudo cp -r डॉट स्लैश
टेस्ट नाम का हमारा फोल्डर था, इसके अंदर पूरी की पूरा बिल्ड बना हुआ हमारा यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो हम ये बता रहे हैं कि करंट डायरेक्टरी डॉट स्लैश का मतलब करंट डायरेक्टरी में रहेंगे, उसमें डिस्ट नाम के फोल्डर के अंदर जा रहे हैं। स्लैश स्टार का मतलब है क्या है कि उसके अंदर जितनी फाइलें पड़ी हुई सारी फाइलों को सिलेक्ट कर लो, फिर स्लैश वॉट www और html। अब इस फोल्डर के अंदर या फिर इस पाथ के अंदर जाओ और ये डिस्ट नाम के अंदर जितनी भी फाइलें पड़ी हैं, फोल्डर के अंदर जितना भी फाइल है वो सारा उठा के इस जगह जाकर कॉपी कर दो। ये सिंपल से हमारी कमांड है, क्या करते हैं एंटर प्रेस कर देते हैं। तो अब क्या होगा, सारी की सारी फाइलें हमारी कॉपी हो चुकी हैं। अब मैं एक बार क्या काम करता हूँ, सिस्टम को रिस्टार्ट कर लेता हूँ, या फिर एंजिनिक्स को रिस्टार्ट करता हूँ। सीडो सिस्टम सीटीएल रिस्टार्ट एंजिनिक्स। कई बार क्या होता है कि फाइलें हमारी लोड नहीं हो पाती, तो एक बार अगर हम लोग एंजिनिक्स को रिस्टार्ट कर देते हैं तो फाइलें सारी की सारी हमारी लोड हो जाती हैं। तो मैंने फिर से कमांड एंटर करके चालू कर दी। अब यहाँ पर इसको रिफ्रेश करके देखते हैं क्या वो फाइलें कॉपी होके आ गई। तो यहाँ पर जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे आपका पूरा का पूरा नया का नया कोड यहाँ पर डिप्लॉय हो चुका है, और ये काउंटर भी हमारा अच्छे तरीके से काम कर रहा होगा। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से मैंने अपने पूरे फ्रंट एंड कोड को यहाँ पर एंजिनिक सर्वर पर कैसे डिप्लॉय कर दिया है। तो आप भी अपने कोड को एक बार डिप्लॉय करके देखें एंजिनिक्स पे, और कोई भी अगर इशू या फिर कोई भी प्रॉब्लम अगर फेस होती है तो आप हमें एक बार जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वहां पर देखेंगे कि आप बैकएंड कोड को किस प्रकार डिप्लॉय करेंगे।